किशोरों के टीकाकरण की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफी उत्साह के साथ इसमें भागीदारी नजर आ रही है और इसी कड़ी में आज चौथे दिन भी एसपी स्मार्ट स्कूल में 181 बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। हम लोग आज वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारे बच्चों को जो 15 ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, 15 to 18 ऑनवर्ड्स, इन बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। पेंडेमिक में हम लोग ऑलरेडी वेरी वरिड थे कि हमारे बच्चों की कब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी, और ये इनिशिएटिव अब लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। एज फार एज स्कूल इज कंसर्न, एसपी स्मार्ट स्कूल में आज हम आए हैं वैक्सीनेशन के लिए, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू सी द अरेंजमेंट्स दैट दे हैव डन, एक्सीलेंट अप्रोच बाय द स्कूल, क्योंकि हम लोगों को दे हैव ट्रीटेड वेरी वेल। एज अ पेरेंट हमें बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट लगा यहाँ के, कोई क्योस नहीं था, रश नहीं था, प्रॉपर मैनेजमेंट थी, लाइंस प्रॉपर थी, प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया गया, कोविड गाइडलाइंस फॉलो की गई, एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट, थैंक यू। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि सांबा एडमिनिस्ट्रेशन और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में एक अहम योगदान दिया। टीका लगवाने पहुंच रहे बच्चों तथा अभिभावकों ने एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल प्रशासन का धन्यवाद भी किया और कहा कि बहुत ही जिम्मेदारी से बच्चों का टीकाकरण करवाया जा रहा है। Myself, Savik Juria, from SP Smart School, Senior Secondary School, Saroor Campus. हमारे यहाँ पे पिछले 3 दिन से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और हमारे टोटल 1533 स्टूडेंट्स हैं। 5 तारीख से ये वैक्सीनेशन चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वैक्सीनेशन ड्राइव 15 साल से 18 साल के बच्चों का अनाउंस किया था। उसके इमीडिएट बाद डिप्टी कमिश्नर सांबा मैडम अनुराधा गुप्ता जी की रहनुमाई में ये ड्राइव स्टार्ट की गई और हमारे कैंपस को भी सिलेक्ट किया गया बच्चों का। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बाई दी एक्टिव गाइडेंस ऑफ चेयरमैन सर, यहाँ पे जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। जो पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं बहुत सेटिस्फाइड हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनका वेलकम हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि कोइंसिडेंटली इन 2 दिनों में आपने मौसम का मिजाज देखा है कि कितनी तेज़ बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उन पेरेंट्स की शाबाशी दूंगा कि जिन्होंने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस को समझा और अपने बच्चों को लेके इतनी तेज़ बारिश में भी आए हैं, अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीनेशन कराने से उनके बच्चे भी सेफ हैं और उनके पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए सेफ्टी मेजर्स जो हैं अच्छा लगा उनको फॉलो करने में।